आखिर क्यों ऐसा शाओमी, जब हम तुम्हें पूरा पैसा दे रहे हैं, जब भी तुम्हें मैं ऐड दे रहे हो, फ़ोन भी नहीं दे रहे हो, तो ये क्या है? मतलब हाँ गाइस, इस वीडियो में गाइस हम यही बात करने वाले हैं कि आप लोगों को पता होगा रेडमी नोट 7 प्रो भाई परसों सेल पे आया था। मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया, आज बना रहा हूँ। तो परसों सेल पे आया हुआ था, बहुत सारे लोग को तो फ़ोन मिला ही नहीं, सेकंड्सों में चले गया, रेड कलर नहीं आया, 128 GB वाला वेरिएंट नहीं आया, 6 GB वाला वेरिएंट नहीं आया, रेड कलर, और बहुत सारी जो है बातें यहाँ पे करेंगे इस वीडियो में गाइस। ये जो शाओमी कर रहा है हमारे साथ, ये ऐड का पंगा, और ये होम स्क्रीन में भी ऐड आ रहे हैं अब, तो इस वीडियो को पूरा देखो इसी बात में। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, यदि तक आपने नहीं किया है। इस वीडियो में यही बात करेंगे और देखते हैं भाई क्या करता है शाओमी, और इस वीडियो को शेयर करो, हो सके तो शाओमी तक ये वीडियो जाए और उन्हें पता चले कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं बोल दिया नंबर वन स्मार्टफोन, तो हमारी भी बातें सुनो जब जाके आप नंबर वन होंगे। तो आज का वीडियो जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को लो सब्सक्राइब। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पे यार गाइज, यहाँ पे तो हमें फ़ोन देखने नहीं मिलता है यार। यहाँ पे मेरे को बात पता चली है कि 12 बजे सेल होती है, तो 12 से 1 बजे के बीच में, मतलब यार 12 बजे तो हमने देखा, उसके बाद 12-1 बजे तक, 12-1-2 बीच में वो ख़त्म हो गया, मगर 12:20, 25 मिनट, आधा घंटा जब भी लोगों ने खरीदा है, मतलब ये क्या हम पूरा 1 घंटा आपके लिए यहाँ पे रखें? पूरा हम, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, मैं उन लोग भाई यहाँ पे इतनी इतनी मेहनत से बैठते हैं, एग्ज़ाम के भी समय है अभी, आपको टाइम निकाल रहे हैं, जॉब में जो करते हैं टाइम निकाल रहे हैं, बस दो, क्योंकि 12 बजे है तो 12 बजे करो ना, क्यों 1 बजे तक बैठा रहे हो भाई लोगों को? तो वहाँ पर सेल में आपको फ़ोन नहीं मिलता, लास्ट में यही होता है कि वो सेल नहीं मिलती, वो बेचारे 1 घंटा वेट करते हैं। तो ये एक सबसे घटिया बात मुझे यहाँ पे शाओमी की लगती है, बिकॉज अब जब फ़ोन, मतलब नंबर वन स्मार्टफोन आप अपने आपको बोलते हो, ब्रांड वन बोलते हो, तो स्टॉक भी तो रखो। मतलब ये फ़ोन, चलो मैंने बोला, मैंने आप फ़ोन लॉन्च नहीं करते अभी, जब इनने लॉन्च किया नहीं करते, आप बाद में करते, मगर स्टॉक के साथ करते ना यार, ये क्या बात हुई? तो ये बात मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे शाओमी की अच्छी नहीं लगी, तो इसको शायद से शाओमी को सुधारना चाहिए, और ये शाओमी सही नहीं करता है। और गाइस अब अगली बात करता हूँ, यहाँ पे इसकी फ्लैश सेल तो ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं। लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि रेड कलर, मतलब जो सबसे लोगों को एक नंबर लग रहा था, भाई इस बार तो कुछ नया किया है शाओमी ने, हम यही लेंगे, मगर वो भी स्टॉक पे नहीं आया, ये क्या बात हुई भाई? आप लॉन्च में हमें सब, देखिए जब इंसान को एक बार बोल देना कि यार ये इस वक्त में होगा, तो हम इंसान वेट कर लेता है, मगर जब उस वक्त में वो जाता है और पता चलता है कि ये तो था ही नहीं, तो ये गलत लग जाता है, बुरा लगता है दिल में, कि जब आपने बोला कि अभी आ रहा है स्टॉक में तो सब आने चाहिए ना, तो आपने क्यों नहीं, मतलब रेड कलर लेके आए, और 128 भी नहीं लाए आप, ये क्या बात थी भाई? 128 के लिए भी बहुत सारे लोग मतलब वेट कर रहे थे, हाँ मेरे हिसाब से तो कुछ ना, बस 2-3% लोगों को मिला भी, मगर ये क्या है, रेड कलर नहीं मिला, 128 नहीं मिला, हमने बोला पैसा भी हम दे रहे हैं भैया, पूरा पैसा दे रहे हैं हम, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि फ्री से आपसे आता पैसा लेके, अरे भैया इतने में कर दो इतने में, हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, हम आपको पूरा पैसा दे दे रहे हैं, कभी कुछ किया? और यहाँ पे मैं इसलिए बोलूँगा, फिर से एक बार और बोलूँगा, जाके जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को, और टैग करिए कहीं भी इसको, ट्विटर विटर में डाल दीजिए कि शाओमी इंडिया ये सब दिमाग ख़राब कर देता है यार। मेरा भी, मैंने मेरे दोस्त को भी मैंने बोला था कि मैं तेरे को खरीद के दे दूँगा, मगर नहीं मिला, ये क्या बात हुई भाई? मेरी तो इज्जत वो रह गई ना यार, तो ये गलत बातें होती है, शाओमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। और मैं चाहता तो मैं परचेज़ कर सकता था, मगर 12 बजे मैं 12:10 तक चले गया, मैंने बोला यार 1 बजे, मगर मैंने सुना फिर उसके बाद लोगों ने 12:25-30 को भी खरीदा, तो यार ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा किया उन्होंने। रेड कलर तो बिल्कुल आना चाहिए और 128 GB भी आना था। एंड नेक्स्ट बात करता हूँ, यहाँ पे हम उन्हें पूरा पैसा भी देते हैं, पूरा पैसा देते हैं, और जब भी हमें यहाँ पे UI जो है इनका एकदम फालतू, मतलब MIUI तो बहुत अच्छा है, मगर इनका UI में हमें पूरा मतलब ऐड और ऐड और ऐड ही हर में ऐड मिलता है। तो भाई हम, मतलब आप बोल रहे ना ये जो वैल्यू प्रोवाइड Xiaomi कर रहा है, 14,000 रुपये पे तो फ़ोन मिल रहा है, मगर ये फ़ोन अभी आपको नहीं पता, आपने 14,000 अभी दिया, फिर आप उसके बाद भी पैसा पे कर रहे हो, वो आपको नहीं पता है, वो हमको पता है कि कितना आप पे कर रहे हो, क्योंकि एड्स की कीमत आजकल आप नहीं जानते गाइस, बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं जानते, बहुत सारे लोग जानते भी हैं जो यूट्यूब में काम कर रहे हैं, बहुत ब्लॉग कर रहे हैं सब, तो ऐड की कीमत नहीं जानते, ऐड बहुत महंगे हो गए हैं आजकल, और जो पैसा उन्हें बहुत सारा, वो 14,000 का फ़ोन आपको 18-19-20-21,000 का फ़ोन पड़ जाता है, वो आपको पता है, वो तो लाइफ टाइम तक कमा रहा है भाई, उसने मतलब कब तक, ऐड तो डिसेबल नहीं होने वाली ना, तो पैसा तो शाओमी बहुत भरपूर भर कर कमा रहा है, और पता नहीं क्यों कर रहा है ये ऐसा। और लास्ट ऑफ ऑल एक और बात भाई, यहाँ पे क्वेश्चन लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यार क्या ये हमें मी स्टोर में मिलेगा? हाँ भाई, आपको डेफिनेटली मी स्टोर में मिलेगा, और 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, और वहाँ पे कोई बोलता है तो आप भैया कंप्लेन कर देना, क्योंकि 1 रुपये एक्स्ट्रा लेने का नहीं हो रहा है। तो गाइस ये थी मेरी बातें, और यहाँ पे पता नहीं शाओमी को मैं एक लास्ट वही बोलूँगा कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, आपके जो फ़ोन होते हैं, मैं ये नहीं मानता, मतलब ये मैं बोलता हूँ कि आपके फ़ोन एकदम वैल्यू प्रोवाइड होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, पर ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, आप इसको सही कर लो तो मेरे को अच्छा लगे। और रेडमी नोट 7 जो आया इंडिया में, वो भी अब डाउनग्रेड करके आप लेके आए, वहाँ पे आपने 14 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर दिया, यहाँ पे सिर्फ 12 मेगापिक्सल +2 दिया, तो ये
पता नहीं आपने क्यों करते हो यहाँ पे, क्योंकि यार ये इंडिया है, आप इंडिया के साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हो। पिछले बार भी आप देखेंगे तो कुछ रेडमी नोट नोट 5 में और नोट 5 प्रो में भी उनने वहाँ पे कुछ किया था, वहाँ पे इतना अच्छा लॉन्च किया, यहाँ पे इन्हें ऐसा कर दिया। मतलब मैं नहीं चाहता कि मतलब आप क्यों करते, क्योंकि इंडिया में आप देखेंगे आपकी सबसे ज़्यादा मतलब जो चाइना से ज़्यादा मतलब अब आपके इंडिया में प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए कि इंडिया में आपके प्यार करने वाले ज़्यादा हैं, तो जो भाई प्यार करता है उसको वापस आप प्यार नहीं दोगे क्या? तो यार ये बात है। और गाइज यही मेरी बात है यार, रेडमी नोट 7 प्रो आपको, और अगली सेल इसकी 20 तारीख को है, आप चाहें तो ले सकते हो। और रेडमी नोट 7 को भी 20 तारीख को, ये रेडमी नोट 7 की तीसरी सेल है और रेडमी नोट 7 प्रो की दूसरी सेल है। तो अब देखते हैं रेडमी नोट 7 का प्रो जो है, वो जितना हमें बात पता चली है कि रेडमी नोट 7 प्रो का जो रेड कलर है वो शायद आपको मिलेगा सेल में, और 128 GB वाला वेरियंट भी मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम तो पूरा मतलब भैया पूरा वो कर डालेंगे, मतलब पूरा एक्सपोज कर देंगे या फिर रेडमी को, क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी भी मतलब स्ट्रैटेजी भी होती है गाइस की, और अभी लोगों को हाइक बन गया तो ये होता है भाई यहाँ पे हर कंपनी, क्योंकि कंपनी ऐसी तो नहीं है ना दो दो ढाई लाख की मतलब 2-2.5 लाख मोबाइल बनाए बनाए, नहीं ये मिलियंस में फ़ोन बनाती है। तो यही है गाइज, और बस गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने अपने आप लोगों को एक कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे दिए जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, एंड मेरी भी बात मैंने अपनी ओपिनियन आप लोगों के सामने रख दी, और मुझे बिल्कुल भी भाई यहाँ पे पसंद नहीं आया। हाँ एक और लास्ट बता दूँ कि ये जो UI मैंने आपको बताया इसमें, अब इसमें होम में भी मतलब ऐड आ रहे हैं, होम स्क्रीन में जो आते थे उसमें भी ऐड आने लग गए हैं। तो भैया मतलब आप देख सकते हो भरपूर पैसा है यहाँ पे अभी Xiaomi के पास। तो बस गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, और बस और मैं एक और लास्ट बात कर देता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो बना उसके लिए माफ़ी। प्लीज़ मैं एक और बात कर दूँ, यहाँ पे हमें जो बॉक्स के अंदर वो फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता है, और अभी Xiaomi ने अभी तक लॉन्च भी नहीं किया Redmi Note 7 Pro का फास्ट चार्जिंग, और Note 7 का फास्ट चार्जिंग जो अराउंडली 400-500 रुपये का वो होगा, तो फ़ोन कितना महंगा पड़ जाएगा तो वो आप ही देख सकते हो। पता नहीं कब आएगा वो फास्ट चार्जिंग, जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। और बस पसंद आइए लाइक करो वीडियो को, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और यार नहीं करना लाइक मत करो मगर प्लीज़ इस मतलब वीडियो को जो है वो टैग करो, जाके शेयर करो यार जहाँ आपके सोशल मीडिया में जितने फॉलोअर्स हैं, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोग के लिए। तो बस वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और शेयर जरूर कर से करें, और मिलते हैं आप लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को मतलब इस सेल के बारे में क्या लगता है। बस मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।